आज का वचन बताता है कि परमेश्वर हमें क्या देखना चाहता है। हम रोज परमेश्वर में देखते हैं ना, हम रोज परमेश्वर को देखना चाहते हैं, हम रोज परमेश्वर के करीब आना चाहते हैं। आज का वचन आपको बताएगा कि कैसे परमेश्वर आपके करीब आता है, कब परमेश्वर आपके करीब आता है, ऐसा क्या परमेश्वर चाहता है कि वो आपके करीब रहे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सोचिए कि वो महिमा महम, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, वो आपको देखे, आपकी हरकतों को देखे, आपको निहारे। प्रेज द लॉर्ड। कितना सुख और आनंद की बात है कि परमेश्वर मुझे देख रहा है। प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर मुझे देख रहा है। तो हम में ऐसी क्या गुण होने चाहिए, हम में ऐसी क्या बात होनी चाहिए कि परमेश्वर मुझे देखे। हेलो, परमेश्वर मुझे देखे। कितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर मुझे देखे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपके जब बच्चा होता है, आप चाहते हैं कि मेरा बच्चा मुझे देखे, मेरी पत्नी मुझे देखे, मेरा पति मुझे देखे, कहीं और ना देखे। आपका पिता, आपका परमेश्वर भी चाहता है कि वो हमेशा आपको देखे। इसलिए आज इन वचनों के द्वारा मैं आपको बताऊंगा कि परमेश्वर हमसे क्या उम्मीद करता है और हमें किस तरीके से परमेश्वर के राज्य में बढ़ना है और किस तरीके से उसे देखना है। हालेलुया। अगर हम लूका की किताब मार्क पढ़ेंगे, मरकुस 12 42 से 44 के बीच में, यहाँ पर एक विधवा के बारे में बात की गई है, कंगाल विधवा के बारे में। मैं आपको सच कह रहा हूँ मेरे भाई मेरी बहन, आज के वचन से सीखने के लिए बहुत कुछ है, बहुत कुछ है कि हम आज इस वचन से सीख सकते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो मरकुस 12 42 से 44 पढ़िए बेटा। इतने में कंगाल विधवा ने आकर दो दमड़िया। अब यहाँ पर यीशु मसीह खजाने की तरफ देख रहा है, मंदिर में जो खजाना होता है उसकी तरफ उसकी निगाह है और वो देख रहा है कि लोग कैसे क्या कर रहे हैं। 41 से पढ़िए, 41 से। वो मंदिर के भंडार के सामने बैठकर देख रहा था कि लोग मंदिर के भंडार में किस प्रकार पैसे डालते हैं, किस प्रकार पैसे डालते हैं। आप मंदिर के भंडार में कैसे पैसे डालते हैं। प्रेज द लॉर्ड। जब दान दशांश का बैग आपके सामने आता है तो क्या आप पहले से तैयार हैं कि मुझे परमेश्वर को भेंट देनी है, या दशांश का बैग आने के बाद आप सोचते हैं कि कौन सा नोट निकालूं, कौन से सबसे छोटा नोट मेरी जेब में है उसको टटोलते हैं, कौन सा फटा हुआ नोट है। यस, आपको नहीं पता है। वो कह रहा है कि यीशु मसीह भंडार की तरफ देख रहा था कि लोग कैसे डालते हैं, कितना डालते हैं वो नहीं देख रहा है, वो ये नहीं देख रहा है कितना डालते हैं, वो ये देख रहा है कि कैसे डालते हैं। आपका डालने का तरीका क्या है, आपका चर्च में आने का तरीका क्या है, आप कैसे चर्च में आते हैं, आप किन भावनाओं को चर्च में लाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। देने से पहले आप में उत्साह है कि नहीं है, देने से पहले क्या आप धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर धन्यवाद कि तूने मुझे इस योग्य बनाया कि मैं आज अपना दशांश डाल पा रहा हूं, मैं आज ये ऑफरिंग डाल पा रहा हूं, तू दे रहा है तो मैं दे रहा हूं। हालेलुया। क्या हम अपने आप से दे सकते हैं, वो देता है तो हम देते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आगे बढ़िए बेटा। और बहुत से धनवानों ने बहुत कुछ डाला। हाँ, बहुत कुछ डाला। तब इतने में एक कंगाल विधवा ने आकर दो दमड़िया, जो एक अधेले के बराबर होती है, डाली। हाँ, आगे।
तब उसने अपने चेलों को पास बुलाकर उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मंदिर के भंडार में डालने वालों में से इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है। सबसे बढ़कर डाला है। अब सोचिए, यहाँ पर यीशु मसीह बता रहा है कि दो तांबे के सिक्के डाले हैं जिसका मूल्य एक पैसे के बराबर है, या उसके बारे में डिस्क्राइब किया जा रहा है। फिर भी परमेश्वर यह कहता है कि इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है। परमेश्वर के लिए वो जो धनवान थे जिन्होंने हजारों रुपए डाले होंगे उसकी कीमत नहीं है। हेलो, आज मैं आपका ध्यान यही डालना चाहता हूं, उसकी कीमत नहीं है। उसके लिए कीमत है कि उस विधवा ने, कंगाल विधवा, देखिए उसकी, उसका नाम क्या है, कंगाल और विधवा, यानी कि उसके पास कुछ भी नहीं है, ना उसके पास कोई आदमी है, ना उसका रिश्तेदार है, कोई संभालने के लिए नहीं है, और सबसे बड़ी है कंगाल है, कुछ नहीं है। और कुछ नहीं में से उसने एक दमड़ी दी। हेलो, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के लिए यही बहुत है कि आप क्या दे रहे हैं, आप कैसे दे रहे हैं। वो आपके हजारों को नहीं देखता है, वो आपके उस अंश को देखता है जिसमें प्रेम होता है, जिसमें समर्पण होता है। जब आप उस प्रेम से, जब आप उस समर्पण से, जब आप उस लगाव से, जब आप उस श्रद्धा से परमेश्वर के राज्य में बोते हैं, चाहे किसी भी रूप में, चाहे किसी रूप में बोते हैं, परमेश्वर देखता है। परमेश्वर देखता है कि मेरा बच्चा कैसे बो रहा है। हालेलुया। इसका अगला वचन पढ़िए बेटा। क्योंकि सबने अपने धन की बढ़ती में से डाला है, परंतु इसने अपनी घटी में से जो कुछ उसका था, अर्थात अपनी सारी जीविका डाल दी है। सारी जीविका डाल दी है, जो कुछ इसके पास था इसने सब कुछ डाल दिया है। आमीन। अगर आप बहुत व्यस्त हैं, ध्यान दीजिए, अगर आपके पास बिल्कुल समय नहीं है, सुबह से शाम तक आप काम करते हैं, 18-18 घंटे, 19-19 घंटे आप काम कर रहे हैं, और अगर उस 19-20 घंटे काम करने के बाद अगर आप 10 मिनट प्रभु को निकालते हैं तो परमेश्वर प्रसन्न होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपके घर में कोई भी खाने के लिए नहीं है, आपके घर में कोई राशन नहीं है, आपके घर में कोई दमड़ी नहीं है, आपके घर में दो मुट्ठी आटा है जो आपके परिवार के लिए है, लेकिन अगर कोई, मान लीजिए आपका भाई, आपका बहन अगर आता है और उसमें से आप उस भाई को आधी रोटी देते हैं तो परमेश्वर खुश होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप बीमार हैं, डॉक्टर ने कहा हुआ कि नहीं, अब आप उठ नहीं सकते, बेड रेस्ट है आपको, इधर भी सलाइन लगा हुआ, इधर भी सलाइन लगा हुआ, आप उठ नहीं सकते। डॉक्टर ने कहा कमजोर हैं आप, बिल्कुल बेड रेस्ट में हैं आप उठ नहीं सकते हैं, और उसमें भी अगर आप उठकर अपने घुटनों पर आते हैं तो परमेश्वर प्रसन्न होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। सबने डाला, लेकिन जो उस विधवा ने, कंगाल विधवा ने डाला, तो परमेश्वर ने कहा इसने सबसे ज्यादा डाला है, इसने सबसे बढ़कर डाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर के लिए, देखिए, परमेश्वर बहुतायत का आशीष आपको कब देगा, जब आप अपनी कंगाली में से, अपने कुछ नहीं में से आप उसको कुछ देंगे, जब अपने कुछ नहीं में से आप उसको देंगे, वो उसके लिए बहुत कुछ है। आपको याद है यीशु मसीह के सामने 5,000 लोग थे, 5,000 पुरुष थे, और खाने की समस्या थी कि इनके पास खाना नहीं है। अनिद्रा से एक लड़के को लेकर आता है, फिलिप्पुस कहता है कि परमेश्वर के यीशु, ये लड़का है, इस समय 5,000 पुरुष हैं, 5,000 औरतें हैं, 2,000 बच्चे हैं, तकरीबन 12,000 लोग हैं, और हमारे पास खाने के लिए नहीं है, और ना ही हमारे पास इतना पैसा है कि हम इनको खिला सकें, लेकिन यीशु मसीह चाहता है इनको खिलाओ, यीशु मसीह चाहता है इनको भोजन दो। तो अनिद्रास किसको लेकर आता है, एक लड़के को लेकर आता है,
उसके पास 5 रोटियां और 2 मछलियां थी। कितनी थी? 5 रोटियां और 2 मछली। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या यीशु मसीह ने कहा? अरे इससे क्या होगा? क्या यीशु मसीह ने कहा? प्रेज़ द लॉर्ड। नहीं, यीशु मसीह ने कहा लाओ। आमेन। क्योंकि वो बहुतायत का परमेश्वर है। हम कभी कभी सोचते हैं कि हमारी ज्यादती में वो हमें और ज्यादा देगा। नहीं मेरे भाई, नहीं मेरी बहन, हमारे प्रेम में, हमारे समर्पण में, हमारी कमतर में वो अद्भुत आशीष देगा। इसलिए उसने पौलुस से बोला कि मेरा अनुग्रह किसमें सिद्ध होता है? निर्बलता में सिद्ध होता है। जब हम निर्बल होते हैं तब परमेश्वर आशीष देता है। जब हम निर्बल होते हैं तभी परमेश्वर हमको ऊंचा उठाता है। जब हम अपने आप को निर्बल समझते हैं कि हम कुछ नहीं है, यही तो प्रभु सिखाता है, यही तो बाइबल का आधार है कि जब तक आप अपने आप को दीन नहीं समझेंगे, जब तक अपने आप को आप कुछ नहीं समझेंगे, आप परमेश्वर के आशीषों को महसूस नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। चर्च आने से पहले कि आप समझते हैं कि हमें चाहिए, चर्च आने से पहले कि आप समझते हैं कि हम कुछ भी नहीं है, हमें उससे मिलना है जो बहुत कुछ है। हालेलुया। हमें उससे मिलना है जो बहुत कुछ है, जो सर्वशक्तिमान है, जो सर्वज्ञानी है, जो सर्वश्रेष्ठ है। प्रेज द लॉर्ड। ये जो कंगाल विधवा थी, इसके पास कुछ नहीं था, इसके पास कुछ नहीं था, लेकिन इसने 2 तांबे के सिक्के डाल दिए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। उसने कुछ नहीं रखा अपने पास, क्योंकि वो जानती थी कि उसके पास यीशु है। क्यों परमेश्वर कहता है दान दो? क्यों कहता है परमेश्वर की मेरे राज्य में बो? ताकि परमेश्वर आपको ऊंचा उठा सके, ताकि आपको परमेश्वर अपनी वैल्यू बता सके। आप जब तक परमेश्वर की वैल्यू नहीं करेंगे, तब तक आप चर्च में आशीष नहीं पाएंगे। परमेश्वर के वचन की वैल्यू बहुत जरूरी है। मलाकी 3:10 में साफ साफ लिखा हुआ है। मलाकी 3:10 अगर हम पढ़ेंगे तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि हमें किस तरीके से बोना है, किस तरीके से दशांश देना है, कैसे आशीष मिलेगा हमको, कैसे स्वर्ग के दरवाजे, कैसे स्वर्ग खुलेगा हमारे लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। पढ़िए बेटा। सारे दशांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोल कर तुम्हारे ऊपर अपरंपार की आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। सारे दशांश, यहां सिर्फ पैसे के दशांश की बात नहीं हो रही है, सारे दशांश, उसमें आपके वक्त का दशांश है। 10% तो आप अपनी सैलरी का देते हैं, अपने वक्त का 10% देते हैं आप? अपने वक्त का 10%, वो भी दशांश है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम सिर्फ चर्च आकर और घर में आए 15 मिनट प्रार्थना करके समझते हैं कि हमने अपनी ड्यूटी निभा ली। हमें अपने समय का भी 10% देना है। सारे दशांश, एक दशांश नहीं, सारे दशांश मेरे भंडार में लेकर आओ। प्रेज़ द लॉर्ड। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर चाहता है कि हम जीवन को कैसे बिताएं। परमेश्वर आपको सिखा रहा है कि हमें अपने जीवन को कैसे बिताना है। परमेश्वर आपको बता रहा है कि आपको परमेश्वर को कैसे देखना है। परमेश्वर आपको बता रहा है कि आपको परमेश्वर पर किस तरीके से विश्वास करना है, किस तरीके से विश्वास करना है। ये आप पर है। मैं एक बार जॉनी भाई के साथ था। जॉनी लीवर मेरे बड़े भाई की तरह हैं, बहुत प्यार करते हैं, धन्यवाद, प्रभु उनको आशीष दे। वो मुझे बता रहे थे
कि बीच में जब पूरी तरीके से प्रभु में थे, वो अभी भी प्रभु में हैं, पूरा वो समय देते थे, हर जगह जाते थे, अभी बहुत बिजी हो गए इसलिए नहीं जा पा रहे हैं, तो जाते भी हैं, मैं तो बहुत दूर हूँ थोड़ा उनसे। उन्होंने बताया कि अनिल मेरे पास पैसा नहीं था और उनकी इंस्टॉलमेंट देनी थी और LIC का जो प्रीमियम था, बहुत सी चीज़ें थी, बड़े लोग हैं, उनकी बड़ी चीज़ें होती, खर्चे भी बड़े होते हैं, तो बहुत खर्चा था। और मुझे किसी ने अपने चर्च में बुलाया और दशांश के लिए मेरे सामने बैग आया और मेरे पास सिर्फ 3,000 रुपये थे, 3,000 ज़्यादा नहीं थे और घर में भी पैसा नहीं था। कहते मैंने, प्रभु ने कहा डाल दे पूरा पैसा। मैंने कहा प्रभु 3,000 है, प्रभु ने कहा डाल दो। मैंने निकाला पूरा पर्स में से 3,000 डाल दिए, घर आ गया, कोई पैसा नहीं मेरे पास। अब मैं जॉनी लिवर हूं, मैं अगर ये कहूंगा कि मेरे पास पैसा नहीं तो कोई मानेगा नहीं। कहता उन दिनों जब मैं जाता था काम के लिए और मेरी गाड़ी में पेट्रोल नहीं होता था तो मैं अपने ड्राइवर से कहता था, तेरा पैसे हैं डीजल के लिए पेट्रोल के लिए? हाँ, चल डाल, चलते हैं अपन काम पे, मैं देता हूँ तुझे। ऐसी हालत थी। तो कहते मैंने पैसे डाल दिए, घर में आया तो एक प्रोड्यूसर आया हुआ था, उसको उन्होंने एक फिल्म साइन की, पूरा अमाउंट मुझे याद नहीं है, तकरीबन याद है 11 लाख रुपए का वो उनको मिलने वाले थे, 11 लाख रुपया उस फिल्म के। वो जो प्रोड्यूसर था वो बहुत ही कंजूस था, दुनिया जानती थी, बहुत कंजूस आदमी है, सावन कुमार। उसे साइनिंग अमाउंट दिया और जाते जाते उसने कहा, जॉनी भाई कि मुझे यार शूटिंग के बाद भी आपको पैसा देना ही है ना, तो यार मैं अभी दे जाता हूं। वो 11 लाख रुपए उसी समय दे गया। आप सोचिए, उनके सारे एक्सपेंसेस निकल गए, जहां से आने की उम्मीद नहीं थी वहां से परमेश्वर ने रास्ता खोला। परमेश्वर क्या देखता है कि आपका मन क्या है, आप देते किस मन से हैं, आप कलीसिया आते किस मन से हैं। प्रेज द लॉर्ड। अगर कोई आपको भाई, आपकी बहन बहुत सता रही है, बहुत सता रही है आपको, और अगर आप उसके लिए प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर खुश होता है। प्रेज द लॉर्ड। हम मसीह हैं, हमें एक एक आत्मा के लिए बोझ होना चाहिए कि हमारी आत्माएं बहुत जरूरी हैं। कोई भी परिवार अगर हमसे हटता हमको खुशी नहीं है, हमको बहुत दुख है, लेकिन चर्च का अपना नियम है। हालेलुया। जिस तरीके से देखिए चर्च क्या है, जिस तरीके से एक माँ जब बच्चे को जन्म देती है, बहुत सी माएँ यहाँ पर हैं बच्चे को जन्म दे सकती होंगी, आपको एक्सपीरियंस होगा, कोई हर 15 दिन के बाद या महीने के बाद डॉक्टर बुलाता है और आप बच्चे को लेके जाती हैं, उसका वजन करते हैं कितना बड़ा हुआ है, बच्चा जब पैदा हुआ था, और हम हर महीने के बाद या 1.5-2 महीने के बाद बच्चे को डॉक्टर बुलाता है और वो एक तराजू होता है उस पर रखते हैं और भाई कितना बड़ा है, होता है कि नहीं होता है? प्रेज़ द लॉर्ड। ताकि आप जो फीड कर रहे हैं, आप जो दे रहे हैं, वो उसके शरीर में लग रहा है कि नहीं लग रहा है, वो चेक करते हैं, अगर नहीं लग रहा है तो कुछ और दवाई देंगे, कुछ और आपको भोजन बताएंगे कि भाई ये दो ताकि बच्चे को लगे, क्योंकि बच्चे का बढ़ना जरूरी है। हेलो, बच्चे का बढ़ना जरूरी है। यही चीज वचन में है, यही चीज कलीसिया में है, कि हम जब कलीसिया में आते हैं और जब वचनों का भोजन लेते हैं तो हमें अपने आप को जांचना है कि हम बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं। अगर आप नहीं बढ़ रहे हैं तो खतरा है। वचन अगर आपके अंदर जाना है, जा रहा है, तो वो काम करेगा ही करेगा। जिस तरीके से एक गलत चीज आपके अंदर जाती है, अगर आप कोई गलत वीडियो देखते हैं,
अगर कोई आप गलत पिक्चर देखते हैं, अगर कोई गलत बात सुनते हैं, तो बात अंदर जाकर आपको नेगेटिव थॉट्स लेकर आती है। प्रेज़ द लॉर्ड। और शैतान आपके अंदर काम करता है। इसी तरीके से जब आप परमेश्वर के वचनों को अपने अंदर सुनते हैं, जब आप परमेश्वर के वचनों को अपने अंदर लेते हैं, और जब वो वचन को आप ग्रहण करते हैं, लेना ही नहीं है, सुनना ही नहीं है सिर्फ, क्या आपने यहां से सुना और यहां से निकल गया, आप सिर्फ चर्च जाने वाले मसीह होंगे। आपको सुनकर ग्रहण करना है। जब तक आप उसको ग्रहण नहीं करेंगे, तब तक आप उसका आशीष नहीं प्राप्त करेंगे। तो ये जो औरत थी कंगाल विधवा, इसने जो दो दमड़ी डाली, उस दमड़ी को, उस पैसे को यीशु ने देखा, और उस पैसे में जो उसका प्रेम था, जो उसका समर्पण था, प्रेज द लॉर्ड, वो ये बता रहा था कि वो कितना जानती है प्रभु को, कितना जानती है। आपका देना बताता है, आपके जीवन का रहना बताता है कि आप कितना जानते हैं प्रभु को। समस्याओं को हैंडल करने का तरीका अगर आपका कैसा है, इस पर डिपेंड करता है कि आप कितना जानते हैं यीशु मसीह को। जरा सी समस्याएं आपको हिला देती हैं, इसका मतलब आप यीशु मसीह में मजबूत नहीं हैं। बड़े से बड़ा चट्टान आपके जीवन में आता है और आपको हिला नहीं सकता है, इसका मतलब परमेश्वर के वचन आपके अंदर काम कर रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। समस्याएं हर एक के जीवन में आती हैं, लेकिन उन समस्याओं से हमें निकलना कैसे है, उन समस्याओं से हमें ऊपर कैसे उठना है, क्योंकि जब तक हम उन समस्याओं से नहीं निकलेंगे, और हमें समस्याओं से निकालना कैसे सिखाया है, यीशु मसीह ने, यीशु मसीह खुद, परमेश्वर यीशु मसीह खुद समस्याओं से निकले, खुद उन्होंने बताया कि किस तरीके से हम जीवन को जी सकते हैं, किस तरीके से हमें जीना है। 3.5 साल की सेविकाई में यीशु मसीह ने क्या बताया अपने चेलों को कि तुम्हें किस तरीके से आत्मिक जीवन जीना है। 5,000 लोगों को खाना खिलाते हुए यीशु मसीह ने बताया कि तुम्हें रोटी के लिए सोचना नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब मैं परमेश्वर से आशीष मांगता हूं, जब 5 रोटियां और 2 मछलियां 12,000 लोगों को खाना खिला सकती हैं, तो आपको नहीं खिला सकती हैं। इसलिए चेले जब रोटी के लिए परेशान थे, तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें, अभी तुमने देखा कि मैंने 5,000 लोगों को रोटी खिलाया, फिर भी तुम परेशान हो, फिर भी तुम दुखी हो। यही तो चीज है कि हम बाइबल को, वचन को कलीसिया में पढ़ते हैं, और घर जाकर हम फिर परेशान हो जाते हैं, हम दुखी हो जाते हैं, हम आशा खो बैठते हैं, विश्वास हमारा कमजोर हो जाता है, क्योंकि परमेश्वर का जो विश्वास है, परमेश्वर का जो आशीष है, वो हम उसको ले नहीं रहे हैं, उस वचन को हम ले नहीं रहे हैं। हेलो, आप जब तक वचन को ग्रहण नहीं करेंगे, तब तक वो वचन आपके अंदर काम ही नहीं करेगा। हमारा कलीसिया, मेरी इच्छा है कि हम रोज बढ़ें। परमेश्वर आपके प्रेम को देखता है। आपको याद है मरियम मग्दलिनी, वो वैश्या जिसको परमेश्वर ने माफ किया था, और किसी फारसी के घर में यीशु मसीह बैठे हुए थे, और वहां पर वो मरियम मग्दलिनी आई, उसने 300 दिनार की इत्र की बोतल ली, फोड़ी और यीशु मसीह के सिर पर डाल दी, और उसके पैरों को चूमने लगी अपने बालों से। याद है आपको, याद है आपको क्या कहा था यीशु मसीह ने, कि जहां भी सुसमाचार सुनाया जाएगा, इस औरत का जिक्र होगा। कहा था यीशु मसीह ने। अब मैं आपसे पूछता हूं एक सवाल, क्या कोई भाई, कोई बहन आपके घर में आकर इत्र की बोतल आपके सिर पर फोड़ दे, आपको अच्छा लगेगा? चाहे कोई भी हो, आपका पति हो, आपकी पत्नी हो, कोई भी हो, आप इरिटेट हो जाएंगे, अरे क्या है, तुम पागल हो गए हो क्या, ये क्या कर रहे हो, अच्छा लगेगा आपको? नहीं। लेकिन प्रभु ने उसकी तारीफ की,
क्योंकि परमेश्वर ने उसके इस काम में उसका प्रेम देखा कि उसका प्रेम क्या है। वो आपके कामों में आपका प्रेम देखना चाहते हैं कि आप जब कलीसिया में एंटर होते हैं तो आपके अंदर प्रेम क्या है। क्या आप घर से निकलते समय आज आपने मांगा कि प्रभु मुझसे बात करना, प्रभु मैं आज आपसे बात करना चाहता हूं, प्रभु जब पास्टर बोले कोई भी वचन तो मैं समझूं आपका इशारा, मैं समझूं कि ये वचन मेरे लिए है। आमीन। जब तक आप जिज्ञासुक नहीं होंगे, जब तक आप परमेश्वर से नहीं मांगेंगे, आपको कैसे मिलेगा? हमारे लिए मांगना सिर्फ रोटी कपड़ा मकान है। अपनी नौकरी के लिए मांगा, अपने धंधे के लिए मांगा, बीमारी के लिए मांगा, बच्चों के लिए मांगा, यही नहीं मेरी बहन, अपने मांगने का तरीका चेंज करिए, प्रभु के प्यार को समझने की बुद्धि मांगिए, उसकी योजनाओं को समझने की बुद्धि मांगिए। जो वचन कहता है उस वचन में क्या गहराई है उसको समझने की बुद्धि मांगिए, क्योंकि एक बार वचन अगर आपके अंदर चला गया तो आपको कोई हिला नहीं सकता। लेकिन अगर वचन आपके अंदर नहीं गया मेरे भाई, आप 10 साल 20 साल 25 साल आप चर्च में आते हैं, आपको कोई ना कोई बुरा लगेगा, आप चर्च में बुराई देखेंगे, अरे यार इनके लीडर ऐसा करते हैं, अरे आज वर्शिप में अच्छा नहीं था, आज साउंड ऊपर नीचे थी, अरे आज पास्टर ने क्या बोला, अरे आज जो चाय पिलाई उसमें यार मीठा ज्यादा था यार, क्योंकि आपने वचन नहीं लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। चर्च आपको बता रहा है कि आपको प्रभु का स्वभाव देना चाहता है कलीसिया। परमेश्वर चाहता है कि मेरा स्वभाव मेरे बच्चों में आए। अगर परमेश्वर का स्वभाव हम में आ गया मेरे भाई मेरी बहन, तब हम एक वो जीवन जिएंगे जो परमेश्वर चाहता है, तब कोई दिक्कत नहीं होगी, तब कोई दुख नहीं होगा, परेशानियों में भी हम आनंद उठाएंगे। इसलिए लिखा हुआ याकूब की पत्री, अगर पहला का 3-4 पढ़ोगे आप, याकूब की पत्री 1:3-4 पढ़ेंगे हम, तो आपको पता चलेगा दूसरा कि विभिन्न परीक्षाओं में आनंद की बात समझो। याकूब जेम्स 1 याकूब 1:2-3। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। हाँ, जब तुम परीक्षा में पढ़ो तो इसे विभिन्न नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसे आनंद की बात समझो। कभी आप सोचा है कि कोई आपसे कह सकता है कि परीक्षाओं में पढ़ने के लिए आप आनंद समझो? हेलो, आमीन। क्योंकि यही बाइबल की शिक्षा है, यही बाइबल का आधार है। अगर आप इसको समझ गए तो आप क्रूस को समझ गए कि विभिन्न परीक्षाओं में आने पर बाइबल कहती है कि हमें आनंद की बात समझनी है। क्यों? क्योंकि वो परीक्षाओं से तो ऐसे निकाल लेगा आपको। आप जिन्हें परीक्षाएं समझ रहे हैं क्योंकि आप उस चीज को कर नहीं पा रहे इसलिए आपके लिए परीक्षाएं, वो परमेश्वर के लिए परीक्षा नहीं है। परमेश्वर तो चाहता है कि उन परीक्षाओं के जरिए परमेश्वर आपके स्वभाव को सिद्ध बनाए, आप में धीरज बनाए, आप में संयम आए, पवित्र आत्मा के 9 फल आप में आए, सहनशीलता आप में आए, विश्वस्तता आप में आए। प्रेज़ द लॉर्ड। यही तो हमारा खजाना है। और हमारा खजाना है क्या? दौलत हमारे लिए, हम मसीहों का खजाना दौलत नहीं है। अंदरूनी आनंद आपके जीवन में कब रहेगा? जब आपके अंदर ये आशा रहेगी कि प्रभु आने वाला है और मुझे लेके जाएगा। कन्फर्म।
प्रेज़ द लॉर्ड, वो आने वाला है और वो मुझे लेकर जाएगा, क्योंकि आप इस योग्य हैं। इसीलिए बाइबल सिखाती है कि हमें अपने आप को पवित्रता के आधार पर देखना है, हमेशा दोष की भावना अपने अंदर नहीं रखनी है, तभी परमेश्वर का वचन काम करेगा। रोमियो 1:17 क्या कहता है कि हमें विश्वास से विश्वास की ओर आगे बढ़ना है, विश्वास से विश्वास की ओर। पढ़िए बेटी रोमियो 1:17, रोमन 1:17, हमें विश्वास से विश्वास की ओर आगे बढ़ना है, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। हाँ, जब हम यीशु मसीह में आते हैं, जब हम यीशु मसीह हमें स्वीकार करता है, तो उसकी धार्मिकता हमारे अंदर विश्वास से विश्वास के लिए प्रकट होती है। हमें विश्वास से विश्वास की ओर आगे बढ़ना है, संदेह से विश्वास की ओर आगे नहीं बढ़ना है। जब हम यीशु मसीह में आए थे तो हम संदेह था कि पता नहीं मेरा क्या होगा, मेरे बच्चे का क्या होगा, मेरे जीवन का क्या होगा। लेकिन जैसे यीशु मसीह में आए, हमने बपतिस्मा लिया, यीशु मसीह ने हमें चुन लिया, उस दिन हमारे पास एक आशा आ गई, हमारे पास ये विश्वास आ गया कि यीशु मसीह बादलों पर सवार होकर आएगा और वो हमको लेके जाएगा स्वर्ग। अब हमें उस विश्वास के संग आगे जीना है, विश्वास से विश्वास की ओर। ये तो है ही, ये तो है ही। प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर ने आपको शुद्ध कर दिया है। अभी आपको बार बार अपने आप को शुद्ध, अपने आप को यह समझना कि मैं अशुद्ध हूं, अशुद्ध हूं, अशुद्ध हूं, यह गलत है। आपको परमेश्वर का अभिषेक है, आप अभी आम जिंदगी, आम इंसान नहीं है, आप शरीर में जीने वाले नहीं है, हम आत्मा में जीने वाले हैं। प्रेज द लॉर्ड, इसलिए हमें विश्वास से विश्वास की ओर बढ़ना है, क्योंकि जैसे ही आप यीशु मसीह में आते हैं, जैसे ही आपको यीशु मसीह चुनता है, वो आपको विश्वास का वरदान देता है। कितने विश्वास करते हैं कि आपके पास विश्वास का वरदान है? यस, आपके पास जो विश्वास का वरदान है, उस विश्वास के वरदान के द्वारा आपको विश्वास को लेते हुए आगे बढ़ना है। मेरा इशू है, वो मेरे साथ है, मेरा अच्छा होगा। कोई ताकत नहीं है जो मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सके, कोई भी ताकत नहीं है। रोमियो, अगर हम 8:38 पढ़ेंगे, रोमियो 8:38, कोई भी ताकत नहीं है जो हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सके। पढ़िए बेटा, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ, न ऊंचाई, न गहराई, और न कोई और सृष्टि में हमें परमेश्वर के प्रेम से, जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है, अलग कर सकेगा। आमीन। हेलो, कोई हमें परमेश्वर के प्रेम से, यीशु मसीह के द्वारा जो हम में है, अलग नहीं कर सकता। ना सताव, ना कलेश, ना मृत्यु, ना ऊंचाई, ना गहराई, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, कोई नहीं है। पता है कौन आपको अलग कर सकता है? आप खुद, आप खुद आपको, अपने आप को परमेश्वर से अलग कर सकते हैं। क्योंकि जब आप वचन पे नहीं चलेंगे, जब आप वचन का भोजन नहीं लेंगे, जब आप वचन को समझेंगे नहीं, तो शैतान आपके अंदर कठोरता लेकर आएगा, आप उसकी भलाई को समझ नहीं पा रहे होंगे, आप उसकी दया को समझ ही नहीं पा रहे होंगे, आप शारीरिक जीवन जी रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, इसलिए जब आप शारीरिक जीवन जी रहे हैं तो आप पीछे हट सकते हैं,
Praise the Lord. आप नहीं जानते कि परमेश्वर ने क्या दिया है आपको. रोमियो 6:4-6 के बीच में बताइए कि हमें यीशु मसीह के द्वारा क्या मिला. अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन किसी चाल चले. आमेन. हेलो. जिस तरीके से यीशु मसीह गाड़ा गया, वैसे ही हमें भी गाड़ा गया. बपतिस्मे के द्वारा यीशु मसीह के साथ साथ हम भी गाड़े गए, और जैसे हम गाड़े गए और जैसे यीशु मसीह जिलाया गया, हम भी जिलाए गए. हालेलुया. इसलिए जो आपका शरीर है वो निष्क्रिय है. इसलिए हमें नई चाल चलनी है जीवन की. जो शरीर मर चुका है, हमें उसके साथ नहीं रहना. सातवां पढ़िए. क्योंकि जो मर गया वो पाप से छुटकारा धर्मी ठहरा. जो मर गया वो पाप से छूटकर धर्मी ठहरा. जो पाप से छूटकर, जब हम मर गए तो हमारा पाप भी मर गया. ध्यान से समझने की कोशिश करिए, क्यों परमेश्वर हमें मारता है. हमारे पुराने मनुष्य तो, क्योंकि हमारा जो पाप था कहाँ था? शरीर में था. हमारा पाप कहाँ था? इसलिए शरीर को बपतिस्मे के द्वारा यीशु मसीह ने मार दिया, और अब हमें नया जीवन दिया और हमारी आत्मा को जिंदा किया. तो जो पाप था वो मर गया, हमारा जो मरणहार शरीर था वो निष्क्रिय हो गया. तो अब जब वो निष्क्रिय हो गया, तो हम पाप के गुलाम कैसे हो सकते हैं? अगर आप पाप के गुलाम हैं, तो आपने अभी तक अपने शरीर को मरणहार स्थिति में देखा ही नहीं है. आप मरे ही नहीं है. समस्या यही होती है कलीसिया में, कि लोग पुराना शरीर छोड़ना नहीं चाहते हैं. मरणहार शरीर को आप अपने संग रखना चाहते हैं और मसीह बनना चाहते हैं, और इसीलिए आप कामयाब नहीं होते हैं. इसीलिए आप असमंजस में आ जाते हैं. Praise the Lord. हमें उसी जीवन को जीना है जिसके लिए हम चुने गए हैं, जिसके लिए हम जीवित हैं. और उस जीवन को जीने के लिए परमेश्वर ने अपनी आत्मा हमारे अंदर डाली है, ताकि हम उस आत्मा के द्वारा, उसके वरदानों के द्वारा, उसके वचनों को समझ सकें, उसकी भलाई को जान सकें. Praise the Lord. इसलिए इसमें क्या कहता है, अगर आप 11-12 पढ़ेंगे इसी का 6 का, वो क्या कहता है कि इसको पाप को उसमें मरणहार शरीर में आज्ञा मत दो. हाँ, ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो. आगे, इसीलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य न करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो. हाँ, पाप तुम्हारे शरीर में ना, देखिए इसीलिए कहते हैं पाप को मत देखो, पाप को मत सुनो. इसीलिए कहते हैं, आप जब पाप को सुनते हैं, आप जैसे ही पाप आपके अंदर आता है, आपके अंदर वो पाप जो है वो आपको अपना दास बना लेता है. 12 इसका 6:12. इसीलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य न करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो. पाप आपको लालसा क्यों देता है? जब पाप आपके अंदर आता है, देखिए पाप आपके अंदर नहीं आ सकता अगर आप ना चाहें. आपके घर में कोई नहीं आ सकता अगर आप ना चाहें. आप उसे एंट्री देने के लिए दरवाजा खोलते हैं. आप गलत वीडियो देखते हैं. आप पड़ोस की गलत बातों को सुनने की कोशिश करते हैं. लड़ाई होती है उसको सुनने की कोशिश करते हैं.
आप गलत शब्दों को सुनने की कोशिश करते हैं, जब गलत चीजें आप सुनते हैं, जब गलत चीजें आप देखते हैं, जब गलत चीजें आपके अंदर विचारों में आती हैं, तो पाप आपके अंदर बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, और एक दिन आता है कि वो पाप आपको ललायित करता है कि आप पाप करें। यस, आप में से बहुत लोग इस चीज को समझ रहे होंगे। व्यभिचार की जो दुष्टात्मा है वो आपसे व्यभिचार करवाएगी, और वो जो व्यभिचार की आत्मा आप में आ जाएगी, फिर आपको वो दूसरों को गलत समझेगी। व्यभिचार करने वाला कभी नहीं कहेगा मैं गलत हूं, कभी नहीं कहेगा मैं गलत हूं। व्यभिचार एक ऐसी दुष्टात्मा है, वो कभी नहीं कहेगा कि मैं गलत हूं या मैंने कुछ गलत किया है। Praise the Lord, वचन के अनुसार वो गलत है, इसलिए 13वां क्या कहता है, 13वां, और ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, और ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार बनाकर पाप को सौंपो, परंतु अपने आप को मृतकों में से जीवित जानकर अपने अंगों को धार्मिकता के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंप दो। आपके जो हाथ हैं, आपका जो शरीर है, आपके जो हथियार हैं, वो प्रभु के लिए सौंप दीजिए। प्रार्थना में इनको लगाइए, किसी की सेवा में इनको लगाइए, अपने शरीर को, अपने हथियारों को, अपने पैरों को, अपने मुंह को, अपनी आँखों को, किसी को अच्छा उपदेश देने में लगाइए, किसी को अच्छी सलाह देने में लगाइए। प्रेज द लॉर्ड, तब आप पाप पर कंट्रोल कर सकते हैं, तब आपका जो शरीर है वो पाप के साथ नहीं रहेगा, तब आप में कंट्रोल होगा कि आपको किस चीज से कैसे करना है। आप संसार में घूमते हैं, बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो संसार आपको पीछे करने की कोशिश करता है, आपके अंदर भरने की कोशिश करता है, लेकिन संसार को जीतने वाला कौन है? यीशु। और हमें यीशु मसीह ने क्या दिया है? विश्वास। पहला यूहन्ना 5:4 क्या कहता है? क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो संसार पर जय प्राप्त करता है। हाँ। और वो विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। आपका विश्वास है। कैसे आप जय प्राप्त करेंगे संसार पर? जब आप अपने, जब आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हुए अपने आप को पवित्र रखेंगे। एक बात मैं आपसे पूछता हूं, या कई ऐसी बहनें होंगी कि आपके घरों में दुख आया होगा, मुसीबत आई होगी, संकट की घड़ी आई होगी आपके पति के ऊपर, आपके भाई के ऊपर, आपके घर के ऊपर, लेकिन क्या उस कठिनाई, उस परीक्षा की घड़ी में क्या आपने अपनी पवित्रता छोड़ी? नहीं। कैसे? क्योंकि आपको विश्वास था कि एक ना एक दिन ये परीक्षा, एक ना एक दिन ये समस्या निकलेगी। आमीन। यही विश्वास परमेश्वर आपको देता है, हमें उसी विश्वास के संग आगे बढ़ना है। वो विश्वास का वरदान जो यीशु मसीह ने हमको दिया वो तो है ही हमारे साथ, अब हमें अपने जीवन को विश्वास से विश्वास की ओर आगे बढ़ाना है। शैतान आपको कमजोर करेगा, शैतान कहेगा कि आपके जीवन में कुछ भी नहीं है, शैतान आपको एहसास दिलाएगा कि आप हार चुके हैं जीवन, अभी आपके जीवन में कुछ नहीं रहा, गले तक पानी आ गया है। भजन संहिता 69 का पहला निकालिए, गले तक पानी आ गया है, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन वचन कहता है कि जब प्रभु कहता है कि जब आपके गले में पानी आ जाए, जब कठिनाई यहां तक भर जाए, जब समस्या ऊपर तक आ जाए, तो एक ही नाम है और वो यीशु मसीह, वो हमारे साथ है।
Praise the Lord. दाऊद हर जगह से घिर चुका था, शाऊल उसके पीछे था, उसके दुश्मन थे, उसने कुछ नहीं किया था, लेकिन उसके पास एक ही इनाम था परमेश्वर का। इसलिए वो कहता है, परमेश्वर से कहता है, पहला पढ़िए भजन संहिता 69 का एक, हे परमेश्वर मेरा उद्धार कर, मैं जल में डूबा जाता हूँ, मैं जल में डूबा जाता हूँ। मेरे भाई मेरी बहन, चाहे आप जल में डूबे जाएं, चाहे आपकी कठिनाइयां ऊपर तक आ जाएं, चाहे आपकी समस्याएं ऊपर तक आ जाएं, चाहे आपकी समस्या बता रही है कि आपका कुछ नहीं हो सकता है, आपका भला नहीं हो सकता है, अब सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, तब एक ही रास्ता है और वो है यीशु मसीह। दूसरा कोई रास्ता नहीं है। दूसरा वचन क्या कहता है, मैं बड़े दलदल में धंसा जाता हूँ, मैं बड़े दलदल में धंसा जाता हूँ और मेरे पैर कहीं नहीं रुकते, मेरे पैर कहीं नहीं रुकते, क्योंकि कोई आधार नहीं है। मेरे भाई आपका जीवन, कई बार आपके जीवन में ऐसी समस्या आती होगी जब आप समझते होंगे मैं दलदल में फंस गया, अब जिंदगी गई, अब कुछ नहीं है, बाप की सर्विस गई, मेरी सर्विस गई, माँ की बीमारी, पढ़ाई छूट गई, कर्जे हो रहे हैं, आप समझते हैं कि हर पल मैं दलदल में फंस रहा हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ मेरे भाई मेरी बहन, एक ही नाम है जो आपको दलदल से निकालेगा और वो है यीशु मसीह, और कोई दूसरा नाम नहीं है। और कभी भी आपके जीवन में दलदल आए, कभी भी आपके जीवन में ऐसी सिचुएशन आए, मेरे भाई मेरी बहन, उस नाम को अपने साथ रखिए, यीशु मसीह के नाम को थामिए, उस पर विश्वास करिए और विश्वास से विश्वास की ओर आगे बढ़िए। कोई आपको रोक नहीं सकता है। मैं आपको चैलेंज करता हूं, यीशु मसीह के नाम को जिस दिन आपने थामा है ना ब्रदर, आपको कोई रोक नहीं सकता है। आपकी हर समस्या का निवारण यीशु है। वो नाम में शक्ति है, वो नाम में महिमा है, वो नाम सर्वशक्तिमान है, वो पवित्रता का आशीष है। उस नाम में जीवन है, उस नाम में हर समस्या का समाधान है। ये जो औरत कंगाल विधवा जब आई थी, उसको पता था यीशु मसीह कौन है, उसको पता था परमेश्वर कौन है। हालेलुया। उसके घर में आटा नहीं था, उसके घर में रोटी नहीं थी, उसके पास सिर्फ दो धमड़ी थी। किससे मिलने आई थी वो? हेलो, किससे मिलने आई थी? मैं यीशु से मिलने जा रही हूँ, मैं परमेश्वर से मिलने जा रही हूँ, मैं उसके घर में जा रही हूँ, मैं खाली हाथ नहीं जाऊंगी, मैं खाली हाथ नहीं, मेरे पास कुछ नहीं है, जो कुछ भी है वो मेरे प्रभु का है। Praise the Lord। हमारा क्या अपना है, हमारा बैंक बैलेंस में क्या है, हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम कुछ नहीं है। और मेरे भाई मेरी बहन, मैं आपको सच बताता हूं कि जब आप अपने कुछ नहीं में से कुछ देते हैं तो परमेश्वर भंडार खोल देता है आपके लिए। कभी मत सोचिए, परमेश्वर के लिए कुछ भी करने के लिए कभी मत सोचिए, परमेश्वर को देने के लिए मत सोचिए। मैं आपको एक खजाने की चाबी दे रहा हूं। कई लोग हैं जो समस्याएं आती हैं और अपना पैसा बचा लेते हैं। नहीं मेरे भाई, आप गलत कर रहे हैं। समस्याएं बढ़ती जाएंगी। करिए जो परमेश्वर का है, परमेश्वर को देना है और उदारता के संग देना है। आप चाहते हैं ना कि परमेश्वर उदारता से आपके जीवन में काम करे, बहुतायत से आपके जीवन में काम करे, तो परमेश्वर के नियम के अनुसार चलिए, अपनी बुद्धि के अनुसार मत चलिए। अकारण ही आपके जीवन में समस्याएं आ जाएंगी। इसका चौथा पढ़ो जरा, भजन संहिता 69 का चौथा, जो अकारण मेरे बैरी है वे गिनती में मेरे सिर के बालों से अधिक है। हालेलुया। अकारण, बिना कारण के बैरी, बिना कारण के समस्याएं आपके जीवन में क्यों आ जाती हैं? कभी कभी आप कहते हैं, यार हमने कोई काम भी नहीं किया, यार हमने कोई ऐसी गलती भी नहीं की, फिर ये समस्या क्यों आ गई? मेरा काम बनते बनते कैसे रुक गया?
अकारण क्यों हो गया? Praise the Lord. क्यों हो रहा है अकारण? क्योंकि आप वो चाल नहीं चल रहे जो परमेश्वर कह रहा है. आप उस चाल के अनुसार अपने जीवन को नहीं बिता रहे हैं, इसलिए अकारण आपके जीवन में समस्याएं आ रही हैं. अकारण आपको ऐसे प्रॉब्लम्स आपके जीवन में आ रहे हैं कि आप हतप्रद हो रहे हैं, आश्चर्यचकित हो रहे हैं. भैया ये क्या हो गया, एक और समस्या? क्योंकि आप उस प्रेम के साथ, समर्पण के संग प्रभु के सामने नहीं आ रहे हैं. आप सिर्फ अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं. आप समझ रहे हैं कि सिर्फ प्रार्थना करना ही बहुत कुछ है, एक चैप्टर बाइबल का पढ़ना बहुत कुछ हो गया, बाकी सब संसार में जाएंगे. नहीं, आपका समर्पण क्या है? आप कैसे प्रभु को याद करते हैं? आप कैसे देते हैं? प्रभु को ज्यादा नहीं चाहिए. प्रभु कहता है इस औरत ने 2 पैसे तांबे के दिए, 1 पैसा दिया, इसने सबसे बढ़कर दिया. Praise the Lord. परमेश्वर को आपके राज्य में, परमेश्वर आपको आपके जीवन में बढ़ाना चाहता है, इसलिए वो आपके मन में काम कर रहा है. मेरे भाई, अगर आपका जीवन जीने का तरीका में स्वार्थ है, अगर आप अपने जीवन को स्वार्थ के संग जीते हैं, परमेश्वर को पहला स्थान नहीं देते, मेरे भाई मैं सच कह रहा हूँ. मेरे भाई, अगर आप बरकत चाहते हैं, अगर आप आशीष चाहते हैं, तो प्लीज़ उस कंगाल विधवा की तरह अपने जीवन को बना लीजिए कि मेरा जो कुछ भी है प्रभु का है और कुछ भी नहीं है मेरे पास. बना लीजिए. वो कहता है कि उसकी दरिद्रता में से, उसके कुछ नहीं में से उसने दिया. आमीन. आप क्या समझते हैं? आपकी छोटी छोटी कोशिशें क्या परमेश्वर देखता नहीं है? आप क्या समझते हैं कि आपके पास 1 पैसा नहीं है और आपका मन तड़प रहा है कि प्रभु मैं आज चर्च जा रही हूं लेकिन मेरे पास 1 रुपया नहीं है देने के लिए? क्या परमेश्वर नहीं देखता है? Praise the Lord. परमेश्वर देखता है आपके मन को. लेकिन वही अगर परमेश्वर का हिस्सा जो परमेश्वर को आपको देना है आप अपने घर के लिए रख लेते हैं तो वो भी परमेश्वर देखता है. परमेश्वर देगा आपको. उदास मत होइए मेरी बहन. आपके पास नहीं है, परमेश्वर देगा. लेकिन ईमानदारी के संग परमेश्वर के चरणों में आइए. आपकी ईमानदारी आपको आशीष देगी. Praise the Lord. अरे परमेश्वर चाहता है, आप सोचिए मेरे भाई मेरी बहन, कि जब परमेश्वर ने 8:32 पढ़िए, रोमियो 8:32, जब उसने अपने इकलौते पुत्र का बलिदान कर दिया, जब उसने आपको पाने के लिए अपने इकलौते पुत्र का बलिदान कर दिया, तो क्या वो आपको सब कुछ नहीं देगा? क्या लिखा बेटा? जिसने अपने निज पुत्रों को भी नरक छोड़ा. हाँ, परंतु हाँ, परंतु उसे हम सबके लिए दे दिया. हाँ, वो उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा? क्यों ना देगा? हम क्यों नहीं समझते ये सब कुछ? जब 2000 साल पहले यीशु मसीह क्रूस पर चढ़े, किसके लिए? परमेश्वर के लिए, आपके लिए, मेरे लिए. जब वो 2000 साल पहले, 2020 साल पहले क्रूस पर चढ़कर यातना सहने के बाद आपके लिए मरकर जी सकते हैं, तो क्या आपके जीवन में नहीं दे सकते? हमारे जीवन के कई क्षेत्रों में मेरे भाई मेरी बहन, हमने दीवार बांध दी है और इसलिए प्रभु काम नहीं कर पा रहा है. हमने दीवार बांध दी है क्योंकि हमें वचनों का ज्ञान ही नहीं है. हम समझते हैं 2 रुपए बचाने से हम लखपति हो जाएंगे. आपको नियम ही नहीं पता है कि जब आप परमेश्वर के राज्य में बोएंगे तो फसलों का आशीष होगा.
मैं आपको सच कह रहा हूं, आप काटते काटते थक जाएंगे। अगर आप सही जिंदगी जी रहे हैं प्रभु में, मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप काटते काटते थक जाएंगे। काटते काटते थक जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आपकी सेविकाई में ईमानदारी होनी चाहिए। जैसे आपको पता है कि हमें लैपटॉप चाहिए, और बिकॉज जूम मीटिंग को और अच्छा करने के लिए और क्लियर करने के लिए हमें अडॉप्टर भी चाहिए, एक और सिस्टम चाहिए। तकरीबन 70,000 का खर्चा है। कितना? 70,000। आपको पता है ना हमारी स्थिति कैसी है, अभी कितने खर्चे हो चुके हैं, कैसे चल रहा है चर्च, आपको पता है ना। हालेलुया। लेकिन मुझे विश्वास है कि परमेश्वर देगा, देगा, क्योंकि मैं अपने लिए नहीं मांग रहा हूं, मैं अपने लिए नहीं मांग रहा हूं, और परमेश्वर ने किसी के मन में काम किया है। प्रेज द लॉर्ड। देगा नहीं, हमें मिल गया है। आप विश्वास करिए, जब आप मांगते हैं तो विश्वास करिए कि आपको मिल गया है। आज ही मैंने एक बहन से बात की, उसने कहा कोई बात नहीं बहन, परमेश्वर के आशीर्वाद से चर्च के लिए, आमीन। आज के युग में 70,000 रुपए हमें इसी समय बहुत जरूरत है लैपटॉप की। हमारा 12 साल पुराना लैपटॉप है जो चल नहीं रहा है प्रॉपर तरीके से। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु कहता है मांगो। किसके लिए मांग रहा हूं मैं? अपने लिए, चर्च के लिए, ताकि हमारा चर्च बढ़े, ताकि परमेश्वर का राज्य बढ़े। देगा परमेश्वर, देगा। और चर्च के लिए आपको भी दिल खोलना चाहिए, आपको भी चर्च के लिए खोलना सोचना चाहिए कि दशांश तो एक बार है लेकिन हमें चर्च की सहायता करनी चाहिए। स्पेशल ऑफरिंग के जरिए हमें चर्च को देना चाहिए कुछ, ताकि हम चर्च को देख सके जो चर्च में काम हो रहा है। इतने इंस्ट्रूमेंट्स है, कैमरा है, सब ये कौन है, कहाँ से आ रहा है, कैसे चल रहा है, परमेश्वर का है, सोचना चाहिए। हालेलुया। इसलिए विश्वास करिए, जब हम विश्वास से विश्वास की ओर बढ़ते हैं तो परमेश्वर का आशीष हमारे जीवन में काम करता है। इसलिए वो कंगाल विधवा ने जब अपने दो पैसे, दो तांबे के सिक्के दिए, तो उसे पता था कि मेरे पास, लोग तो देख रहे हैं तांबे के सिक्के, लेकिन लोग नहीं जानते कि मुझे क्या मिला है, मुझे यीशु मिला है। जिस दिन यीशु मसीह आपके जीवन में एक खजाने का काम करेंगे ना, उस दिन आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं आज का वचन आपको अच्छा लगा होगा। प्रेज द लॉर्ड। आज का वचन आपको अच्छा लगा? प्रभु आपको बहुत 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 आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।